हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीव विज्ञान के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने जंतु विज्ञान की शाखाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो मैंने इसमें 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बस आप लोगों से केवल यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। यदि यार वीडियो पसंद आता है तो फिर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की। क्या दिए हमारा पहला क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा और का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा हमारी क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, डर्मेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर क्या दी, दूसरा क्वेश्चन दी है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? अस्थियों का अध्ययन आता है हमारा ऑस्टियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अस्थियों का अध्ययन हमारा किस में, किस शाखा में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किस में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? इम्यूनोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इम्यूनोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा दिया, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, पेडियोठोलॉजी किसका अध्ययन है? पेडियोठोलॉजी किसका अध्ययन है हमारा? जीवाश्म का, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एंटोमोलॉजी, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिए, तितलियों का अध्ययन कहलाता है? तो तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं तितलियों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारी है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मछलियों से संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिए, आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पक्षियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिए, क्वेश्चन 9 दिए, हेमटोलॉजी किससे संबंधित है? तो हेमटोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हेमटोलॉजी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऊतकों का अध्ययन यानी हेमटोलॉजी संबंधित है ऊतक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा घाव का अध्ययन कहलाता है? तो घाव का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी घाव के अध्ययन को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ट्रोमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या दिए, क्वेश्चन नंबर कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑन्कोलॉजी। मैंने ये जंतु विज्ञान की शाखा से संबंधित वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने इन 35 क्वेश्चन मैंने कवर किए। इसी जब भी कभी भी जीव विज्ञान की शाखा से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो यही 35 क्वेश्चन में से आएगा, कभी इसके बाहर नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के दिए, नंबर 12 दिए, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कॉन्कोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा, कॉन्कोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दिए, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं? वंशागति के नियमों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुवांशिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिए, 14 में दिए, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारता है, मतलब
मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है नस्ल सुधारना? यूथेनिक्स, यूथेनिक्स कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यूथेनिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, नलिकाविहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? नलिकाविहीन ग्रंथियों का जो अध्ययन करती है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, नंबर 16 क्या दिए, उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स कहा जाता है उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति उन्नति का अध्ययन करता है उसे कहते हैं यूजेनिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा हमारी कहलाती है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिए, मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों और उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इक्थियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है मॉर्फोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, मॉर्फोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या दिए, क्वेश्चन 20 दिए, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, तो क्या कहलाती है हमारी? जेनेटिक्स कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को हम कहते हैं पारिस्थितिकी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन हमारा कहलाता है मायोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, मायोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दिए, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा? डेमोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, डेमोग्राफी हम जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए, मधुमक्खियों का पालना कहलाता है, तो मधुमक्खियों का पालना हमारा क्या कहलाता है? एपीकल्चर, मधुमक्खियों का अध्ययन किस में किया जाता है? एपीकल्चर के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिए, रेशम पालन कहलाता है, तो रेशम पालन हमारा क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, सेरीकल्चर। रेशम की पालन को हम क्या किस में किसके अंतर्गत करते हैं? सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिए, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है, तो ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान हमारा कहलाता है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या दिए, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है, तो न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, स्नायु तंत्र, यानी तंत्र का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, स्नायु तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है हमारा? वृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 29 हमारी है, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन कहलाता है, तो किसका अध्ययन हमारा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा क्या है? शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? शिशु रोग का अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिए, क्वेश्चन
नंबर 30 दिए, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? तो टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? अनुवांशिकी की के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अनुवांशिकी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमारी, क्वेश्चन नंबर 29 दिए, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हमारी, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता और गुणसूत्र का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जेनेटिक्स के अंतर्गत अनुवांशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, अनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो अनुवांशिकी किससे संबंधित है हमारी? अनुवांशिकता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, अनुवांशिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हमारे के दिए, क्वेश्चन नंबर 34 से जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्या कहलाता है हमारा? डेमोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के दिए, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन हमारा कहलाता है सीरोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सीरोलॉजी, यानी रक्त के एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन हमारा कहलाता है सीरोलॉजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए दिया, क्या दिया है क्वेश्चन? पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है कि पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है। तो आप इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में अवश्य बताएं, और वीडियो यदि यार पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मैं इसी तरीके के वीडियो पढ़े लेकर आऊँगा, आप जाके पहले लिस्ट में देखिए, आपको वहाँ पे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान तीनों का इसी तरीके से सारे पीडीएफ मिलेंगे। मैं पर डे तीनों साइंस लेकर के एक एक वीडियो तीनों साइंस का अपलोड करता हूं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में, सारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहां पर सब अलग अलग टॉपिक दिए होगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों का अलग अलग टॉपिक बना हुआ है। तो आप वहां से जाकर पिछले सारे वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँचे सबसे पहले, और आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार।